डॉक्टर कलाम्स माइटी माइंड इनोवेशन प्रोग्राम एक शानदार स्कॉलरशिप जो आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइज मनी ही नहीं बल्कि इनोवेशन प्रोग्राम का एक अपॉर्चुनिटी देता है। ये प्रोग्राम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे पे लॉन्च किया गया है। यहाँ आपको मिल सकती है 10 लाख रुपए का प्राइज मनी, गिफ्ट्स एंड बहुत सारे गुडीज। इस प्रेस्टीजियस प्रोग्राम का थर्ड सीजन शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को शोकेस करके ये सभी कैश प्राइज, गिफ्ट्स और गुडीज जीतने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में मैं सारे डिटेल्स कवर करूंगी, लाइक इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना। एंड अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। टू पार्टिसिपेट इन दिस इनोवेशन प्रोग्राम एंड बी एलिजिबल फॉर दिस, यू मस्ट बी अंडर 18, मतलब आपका एज बिलो 18 रहना चाहिए। ये स्कॉलरशिप उनके लिए एप्लीकेबल है जो इंडियन स्टूडेंट्स है, कोई भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड ये स्कॉलरशिप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कोई भी बोर्ड को बिलोंग करता है, लाइक CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के लिए। ये स्कॉलरशिप एग्जाम बेस्ड रहेगा एंड इट्स गोना बी एब्सोल्युटली ऑनलाइन। एंड इसका सिलेबस बहुत सिंपल है, जहां पे ब्रेन टीजर के 15 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको कॉग्निटिव और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड जनरल नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पे द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड द जनरल नॉलेज। देन आता है आपको मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर ग्रेड, मतलब आप 6, 7, 8, 9, 10 कौन से ग्रेड को बिलोंग कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे। द सेम विद द साइंस आल्सो, साइंस में भी आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो बेस्ड ऑन योर ग्रेड्स होंगे। दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, जहां पे ये ऑनलाइन रहेगा एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहां पे कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होगा टू अप्लाई एंड अटेंड फॉर दिस ऑनलाइन टेस्ट। फर्स्ट राउंड में ये होगा कि आपके एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होते हैं 15th of October, यही महीने के 15th of October से आपके रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पे आपको एक सिंपल फॉर्म फिल करना है, जहां पे आप अपनी डिटेल्स फिल करो, प्लस आपका एग्जाम डेट और टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप 15th को एप्लीकेशन फिल किए हो तो 15th को भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको इसका कन्फर्मेशन एक ईमेल आएगा, वहां पे आपको अपने पासवर्ड भी मिल जाएगा, थ्रू दैट यू कैन गिव योर ऑनलाइन टेस्ट। ये इनोवेटिव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट डेट आपको रहेगा टू रजिस्टर इज 24th October, मतलब 15th October से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होके 24th October तक आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड एग्जाम का लास्ट डेट होता है 25th October। वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, देन आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में क्लियर कर रहे हो तो देन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट और शोकेस योर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 20th of November। नेक्स्ट आता है थर्ड राउंड और थर्ड फेज ऑफ दिस इनोवेटिव प्रोग्राम, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है आपके प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का इन फ्रंट ऑफ द ज्यूरीज फ्रॉम December 6 to December 8। आज मैंने पहले बताया है कि इसके अवार्ड्स एंड बेनिफिट्स रहेगी 10 लाख वर्थ का प्राइस पूल, मेडल, सर्टिफिकेट, गुडीज एंड गिफ्ट्स। एंड हर एक पार्टिसिपेंट को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको मिलेगा एक सेल्फ एनालिटिकल रिपोर्ट फ्रॉम द ज्यूरीज। ये स्कॉलरशिप रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं सारे क्वेरीज को आंसर करूंगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।